नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के लेबर कॉलोनी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री होश में आओ आदि नारेबाजी भी की गई। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन दक्षिणांचल अध्यक्ष राजवीर सिंह ने बताया कि ये पूरे प्रदेश व्यापी धरना कार्य बहिष्कार कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश भर के समस्त जिलों में जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है, जिसमें बिजली कर्मचारी के जितने भी संगठन हैं सारे संगठन भाग ले रहे हैं। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट घाटे में चल रहा है, जबकि ऐसे कुछ डिपार्टमेंट भी हैं जो घाटे में नहीं है, प्रॉफिट में चल रहे हैं। गवर्नमेंट उन्हें भी बेच रही है, जैसे DHEL है, NTPC है, रेलवे है। क्या मंशा गवर्नमेंट की, क्या मंशा है, क्यों बेचना चाह रही है, ये सभी लोग सिरपरचित हैं इन सब बातों से। अब यह मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आगरा क्षेत्र आगरा प्रथम के संघ सचिव इंजीनियर राजकुमार जी को। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कर्मियों का नारा है, पूर्वांचल हमारा है। बिजली कर्मियों का नारा है, पूर्वांचल हमारा है। बिजली कर्मियों का नारा है, पूर्वांचल हमारा है। मांग हमारी पूरी है। बंद करो, बंद करो। इतना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। कर्मी करे पुकार, बिजली कर्मी करे पुकार। निकला घर मकाने से, निकला घर मकाने से। मेरा नाम विश्वेंद्र चौहान, विश्वेंद्र चौहान नाम है मेरा। आज धरना चल रहा है, किस कारण धरना चल रहा है, किस प्रकार का? विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्राइवेटाइज किए जाने के संबंध में आज 5 अक्टूबर से हम लोगों का कार्य बहिष्कार चल रहा है, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की बातें मानी नहीं जाती हैं। क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर? हमारी जो मुख्य मांग ये है कि जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है उसका प्राइवेटाइज ना किया जाए, जो भी सुधारात्मक परिणाम है विभाग सरकारी रहते ही जो भी सुधार हो सकता है वो किए जाए। अभी तक क्या आश्वासन मिला है, क्या? अभी 2 चक्र की वार्ता हमारे चेयरमैन साहब के साथ विफल हो चुकी है, आज माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ वार्ता है, देखते हैं कुछ सकारात्मक परिणाम आते हैं या नहीं। तो हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा ऊर्जा के क्षेत्र में जो टकराव बढ़ रहा है उसको समाप्त करने की कृपा करें।